कहानी सुनना पसंद है? कहानियों से हमें एक अच्छी सीख मिलती है। आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? तो मैं भी एक ऐसी सुंदर कहानी आज आपको सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है पत्ते की नाव। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक है कबूतर और दूसरी है चींटी। इस कहानी में कबूतर चींटी की किस तरह सहायता करता है और चींटी भी कबूतर की किस तरह सहायता करती है, यह दिखाया गया है। एक बहुत बड़ा सरोवर था। सरोवर यानी कि क्या? तालाब। तो इस सरोवर के किनारे एक बरगद का पेड़ था। एक दिन बहुत बरसात हुई तो इस बरगद के पेड़ के जड़ में चींटियों का बिल था और बहुत बरसात होने के कारण सरोवर क्या हुआ, पूरी तरह पानी से भर गया। तो पानी चींटियों के बिल में गया तो सभी चींटियां बाहर आने लगी और उसमें से एक चींटी पैर फिसल कर पानी में गिर गई। तो पेड़ पर क्या बैठा था? कबूतर। कबूतर ने देखा कि चींटी पानी में छटपट आ रही है, खुद को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। तो कबूतर को भी उस चींटी को बचाने के लिए उस पर दया आ गई। तो कबूतर ने क्या किया, पेड़ के कई पत्ते तोड़कर उस पानी में फेंक दिए। तो पत्ते चींटियों के आसपास पड़ने लगे तो उसमें से एक पत्ता चींटी के पास पड़ा। तब चींटी ने क्या किया, उस पत्ते पर बैठकर वो धीरे धीरे पेड़ की तरफ चली गई और उसने देखा था कि उसकी जान किसने बचाई थी, कबूतर ने। तो वो कबूतर के पास गई और उसका शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह कबूतर ने चींटी की जान बचाई। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कबूतर पर कौन सी मुसीबत आती है और चींटी उसकी किस तरह सहायता